कुछ दिन पहले जो इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में हम लोग जानने के लिए और हमारा पार्टी की तरफ से मदद करने के लिए एक नेशनल डेलीगेशन यहाँ आए हुए हैं। मैं इलियास मोहम्मद तुम्बे, नेशनल जनरल सेक्रेटरी SDPI, और मेरे साथ हमारा अशफाक हुसैन साहब, नेशनल वर्किंग कमेटी मेंबर और गुजरात का प्रभारी है, और हमारे साथ बिलाल खाजी भी है यहाँ गुजरात का सेक्रेटरी। तो हम लोग यहाँ आकर पूरा देखने में ये टोटली यहाँ एक प्लान्ड एक मुसलमान के ऊपर आक्रमण हुआ है। तो रामनवमी के दिन जो RSS के और गुंडे लोग और संघ परिवार के जो गुंडे लोग तलवार और हथियार लेकर मुसलमानों का बस्ती के अंदर घुसकर बहुत बुरी बुरी गंदे गंदे नारेबाजी किए हैं और दरगाह को अटैक किए हैं, मुसलमानों का घर में घुसे हैं, मुसलमान खवातीनों के ऊपर भी अटैक किए हैं और इन मस्जिदों को भी जलाए हैं, बहुत सारे हरकतें किए हैं, बहुत सारा नुकसान हुआ है और इवन पुलिस वाले भी उनके साथ शामिल हुए हैं। लेकिन इसके बाद जो 4 FIR दर्ज हुआ है, 4 FIR भी मुसलमानों के खिलाफ बनाया है, पुलिस वाले टोटली एक पार्शियलिटी बनाया है, मुसलमानों को एक सेकंड ग्रेड सिटीजन जैसे यहाँ ट्रीट किया है, टोटली बिगॉटरी है, कम्युनलाइज यहाँ चल रहा है। तो इसीलिए यहाँ के लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए हमारे टीम इधर आए हैं। हम यहाँ के शहरियों के साथ हम हमेशा रहते हैं और इनके हर एक लीगल फाइट के साथ हम लोग भी हमेशा रहते हैं और क्या क्या इनको तावन चाहिए, डेफिनेटली वी विल विद द पीपल ऑफ हिम्मतनगर। और मैं यही भी कहना चाहता हूँ, गवर्नमेंट इस तरह का अगर भेदभाव के साथ यहाँ हरकतें कर रहे हैं, डेफिनेटली हमारे देश के लिए अच्छी बात नहीं है, हमारा ये देश का डेवलपमेंट के लिए भी अच्छी बात नहीं है। हम लोग इसके खिलाफ पूरे देश के अंदर हम लोग आवाज उठाए हैं, हिम्मतनगर और गुजरात के अंदर जहाँ जहाँ मुसलमानों के खिलाफ जैसा इस तरह का एक हमला और नाइंसाफी हुआ है, हम डेफिनेटली वी विल गोइंग टू प्लान ए वेरी गुड फाइट इन दिस स्टेट। तो मेरे साथ हमारा अशफाक हुसैन साहब है, उनके भी कुछ बातें आपके सामने रखेंगे। आज हिम्मतनगर के बुद्धिजीवी लोगों के साथ में हम लोगों ने आकर यहाँ बात की, यहाँ पर जिस तरह से जुलूस के दौरान जो उतरा हुआ है और उसमें पुलिस और प्रशासन की भूमिका है वो एक तरफा भूमिका है, बेकसूर लोगों को किस तरह से जेल के अंदर डाला गया है ये पूरी जांच का विषय है। हम सरकार को ये निवेदन करते हैं कि इस तरह से जो एक पक्षीय जो काम हो रहा है पुलिस का वो सही नहीं है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुस्लिम की दरगाह मुस्लिम ही जलाएंगे, ये तथ्य जो है वो बड़े अचरज भरे हैं और सरकार की इसके अंदर जो नीतियां हैं उनको उजागर करना है कि इस तरह से जो है मुस्लिम समाज का दमन करके और एक पोलराइज पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं। हम लोग सरकार को रिक्वेस्ट करते हैं कि जहां भी ऐसी रैली और जुलूस निकल रही है उनको अभी तक जो हुआ है हो गया, लेकिन आगे उनको रोकने के लिए उनको उचित प्रयास करना चाहिए, वरना ये शांत प्रिय जो गुजरात अभी कुछ दिनों से था ये उपद्रव की आग में फिर से जलना शुरू हो जाएगा और इसकी चपेट में सिर्फ एक पक्ष नहीं बल्कि पूरा व्यापारी, पूरे छात्र और पूरे लोग इसके अंदर आ जाएंगे। तो सरकार जो है इस पर निष्पक्ष कार्रवाई करे और जो असली अपराधी है उनको जेल के अंदर डाले।